So cadets, in last period, we discuss about the common names of alkanes. Common names of alkanes. And in that common names, we studied that first four alkanes are randomly named methane, ethane, propane and butane. And after that, the names of alkanes are obtained by adding the suffix in the numbers which contain the number of carbon atom, mentioning Latin language and followed by the suffix ane. And in that we studied three types. One is normal alkanes, another is isoalkanes and neoalkanes. Today we have to discuss about the IUPAC nomenclature of alkanes. IUPAC, kal humne kaha tha, IUPAC ka long form hai International Union of Pure and Applied Chemistry. जैसे ऑटो वाले की यूनियन होती है, मजदूर की यूनियन होती है, मजदूर यूनियन, उसी तरह से केमिस्ट्री वालों की भी एक यूनियन है और इस यूनियन को कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इसका मेन जो हेड ऑफिस है ये जिनेवा में है और ये गाइडलाइन इश्यू करती है about the nomenclature, about the preparation, about the practical knowledge of previous and new compound synthesize. New compound synthesize. तो इसने IUPAC ने alkanes को अगर nomenclature करना है, alkanes को अगर नाम देना है, तो उसके लिए कुछ rules दिए हुए हैं. वो rules को follow up करके हम अल्केन्स का IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, अल्केन्स को IUPAC सिस्टम द्वारा नाम दे सकते हैं. सो वन बाय वन ऑल रूल्स, व्हाट आर द रूल्स आर देयर, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इजी लैंग्वेज सो दैट यू कैन अंडरस्टूड वेरी वेल. सी हियर, first rule states that select the longest and continuous chain of carbon atoms. यानी आपको कार्बन की longest और continuous chain select करना है. Let us consider one example. Suppose here this is the chain. तो यहां पर तीन चैन है, यहां पर कितने चैन है, तीन चैन है. कौन से वो देखते हैं. ये एक चैन है, इसे मैं जे चैन कहता हूं. ये एक चैन है, इसे मैं यल चैन कहता हूं. और ये एक चैन है, इसे मैं के चैन कहता हूं. आपको ऐसी चैन सिलेक्ट करना है जो लॉन्गेस्ट हो और कंटिन्यूस. मैंने स्ट्रेट नहीं कहा हुआ है, बात को समझो, मैंने स्ट्रेट नहीं कहा, चैन स्ट्रेट ही होना चाहिए ऐसा नहीं है. जो लॉन्गेस्ट है और कंटिन्यूस है उस चैन को सिलेक्ट करो. नाउ सी इन यल चैन there are four carbon atoms. In J chain, there are 3 and 2, 5 carbon atoms. And in K chain, there are 6 carbon atoms. So, you have to select longest chain, and here 6 carbon containing chain is longest chain. Although it is not straight, it is not straight. मैंने straight कहा ही नहीं.
सिर्फ लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस था एंड हिंस वी हैव टू रिजेक्ट दिस जे चैन एंड एल चैन. तो ये के चैन को हमने सिलेक्ट किया. दूसरा एग्जांपल और एक बार देता है. सपोज हियर देर आर फोर चैन्स, हियर देर आर फोर चैन्स, दिस चैन जे चैन, दिस चैन के चैन, दिस चैन एल चैन, दिस चैन एम चैन एंड वन इज स्ट्रेट चैन अनदर वन दैट इज एम चैन. सो हियर देर आर फाइव चैन्स. आपको ऐसी चैन सिलेक्ट करना है जो लॉन्गेस्ट है और कंटिन्यूस है. जे और के चैन सेम है जिसमें तीन और एक चार, इधर से तीन और एक चार, चार का बना उसी चैन जे और के. अब यल चैन देखिए, यल चैन कंटेन सिक्स का, यम चैन ऑल्सो थ्री एंड थ्री सिक्स का, एंड यल चैन कंटेन थ्री एंड टू फाइव का. सो दिस कंटेन फोर कार्बन, दिस कंटेन ऑल्सो फोर कार्बन, दिस लॉन्गेस्ट यह स्ट्रेट चैन कंटेन फाइव कार्बन यन चैन. सो हियर यू मे सिलेक्ट आइदर यल चैन और यम चैन बिकॉज इट कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. सो यहां पर आप यम चैन को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर एल चैन को सिलेक्ट कर सकते हो. अगर यहां पर फिर से एक बार इस तरह से है तो आपको यम चैन ही सिलेक्ट करना पड़ेगी, यल चैन नहीं, क्योंकि यम चैन में सेवन कार्बन एटम्स है. सो फर्स्ट रूल इज टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चैन ऑफ कार्बन एटम्स. सेकंड रूल कहता है जो आपने चैन सिलेक्ट की लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करो. सिर्फ जितने जो चेन सिलेक्ट की उसमें के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो, आजू बाजू के नहीं. सो हियर दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन एंड इट कंटेन्स सिक्स कार्बन, सिक्स कार्बन है. हियर यंग चेन इज लॉन्गेस्ट चेन एंड इट कंटेन्स सेवन कार्बन. And consider it as a parent alkane. Consider it as a parent alkane. तो cadets, घर में parents छोटे होते हैं या बड़े? Parents छोटे होते हैं या बड़े? Of course, parents बड़े होते हैं. और पेरेंट्स के कारण हम होते हैं, तो हमारे नाम के पीछे पेरेंट्स का नाम लगा हुआ होता है. तो जिस तरह से आगे के नाम जो है वो हमारे नाम हो गए और पेरेंट का नाम हमारे नाम के पीछे होगा, उसी तरह से जितने कार्बन एटम का लॉन्गेस्ट चेन का है वो पेरेंट नेम पीछे होगा. So this contains six carbon, hence the parent alkane is hexane. This contains seven carbon, hence parent alkane is heptane. Parent alkane is heptane. Now see, what is third rule? First rule is select the longest and continuous chain of carbon atoms. Second, count the number of carbon atoms present in longest and continuous chain.
and consider it as a parent alkane. Third rule says that अब हमने जो चेन सिलेक्ट की लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन उसको हमें नंबरिंग करनी है, उसको क्या करना है नंबरिंग. लेकिन नंबरिंग करते टाइम में ऐसे टर्मिनल से नंबरिंग करना है जिस टर्मिनल से ब्रांच नजदीक हो. नंबरिंग टू द सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन इज डन फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग. पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग का मतलब होता है जहां से ब्रांच अराइज होती है. फॉर एग्जाम्पल हम जब पेड़ निकालते हैं तो पेड़ निकालते टाइम में अगर हमने ऐसा पेड़ निकाला देन दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग. ये जो पॉइंट है यहां से ब्रांच अराइज हुई इसलिए दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग. अगर हम इस यह चेन सिलेक्ट करते हैं तो इस चेन की ब्रांच ये है. सो दिस इज द ब्रांच एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग. दिस कार्बन इज पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग. तो पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग जिस टर्मिनल से नजदीक हो उस टर्मिनल से नंबरिंग करो. अब जो चेन हमने सिलेक्ट की थी उसे दो टर्मिनल है, वन इज अपर टर्मिनल एंड अनदर इज लोअर टर्मिनल. अपर टर्मिनल एंड लोअर टर्मिनल. लोअर टर्मिनल से पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग चार नंबर पर आती है और अपर टर्मिनल से पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग तीन नंबर पर आती है. इसलिए you have to number the chain from that end which is nearest to point of branching. तो हमें इस तरफ से numbering करना पड़ेगी. This is 1, 2, 3, 4, 5 and this is 6. यहां पर देखिए ये चेन हमने सिलेक्ट की थी और इस सिलेक्टेड चेन में तीन के बाद यहां पर चार पर ब्रांच अराइज होती है, यहां पर तीन के बाद चार पर अराइज होती है. सो ब्रांचिंग इज सेम फ्रॉम बोथ टर्मिनल. सो यू कैन नंबर दिस चेन फ्रॉम एनी टर्मिनल. किसी भी टर्मिनल से आप नंबरिंग कर सकते हो. Suppose 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर इधर से करते हैं तो भी सेम आती 1, 2, 3, and 4, 5, 6, and 7. Now next rule states that if any other substituent, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है हाइड्रोजन को निकालकर जो भी ग्रुप रखा जाए सब्स्टिट्यूट किया जाए उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं. कैडेट्स 11th और 12th में अल्काइल ग्रुप ही सब्स्टिट्यूएंट यहां पर दिए जाते हैं. ये रिस्ट्रिक्शन रखा गया है सिलेबस में. हायर स्टडीज में अनदर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूएंट के साथ में अल्काइल ग्रुप ऐसा लिखा है. इफ एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट दैट मींस अल्काइल ग्रुप अटैच मेंशन इस नेम, जो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा उसका नाम लिखो एंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम टू विच इट इज अटैच और कौन से नंबर के कार्बन को अटैच है वो लिखो. नंबर ऑफ कार्बन टू व्हिच सब्स्टिट्यूएंट अटैच इट इज आल्सो नोन एज लोकंट. इट इज आल्सो नोन एज लोकंट. ये देखिए यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इस 3 यहां का नंबर मेंशन करना पड़ेगा 3 और यहां पर देखिए
मतलब यहां पर तीन हाइड्रोजन है, appropriate hydrogen here also they are given. तो CH3 ये जो alkyl group है इसका नाम है methyl group. कौन सा है? methyl group. So 3 methyl, 3 methyl. So what you are done here? Mention the name of alkyl group which is attached and the number of carbon atoms to which it is attached. This number of carbon atom to which substituent attached, it is known as, also known as locant. So here locant is 3, here locant is 4, locant is 4. So this is 4. यहां पर दो अल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन को अटैच है. दिस इज सी एच थ्री एंड सी एच टू. हाइड्रोजन कैसे फिलअप करना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. यहां पर आएगा सी एच थ्री, इसका मतलब यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप अटैच है. एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप अटैच है. कितने नंबर के कार्बन को अटैच है? 4 नंबर के कार्बन को. हेंस 4 इज लोकेंट. रूल स्टेट्स दैट इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन, एक ही कार्बन को दो अलग-अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, देन प्रायोरिटी इज गिवन. प्रायोरिटी का मतलब यहां पर होता है प्राथमिकता. लिखते टाइम में किसका नाम पहले लिखना है उसे प्रायोरिटी देना, प्राथमिकता देना. देन प्रायोरिटी इज गिवन टू दैट मेंबर व्हिच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल एबीसीडी, एबीसीडी में जिसके नाम का पहला अक्षर पहले आए उसका नाम पहले लिखना चाहिए. अब कैडेट्स, यहां पर एक ही कार्बन को दो अलग अलग ग्रुप अटैच है, एक का नाम मिथाइल है एक का नाम इथाइल है. तो मुझे बताइए अल्फाबेट्स में एबीसीडी में इथाइल का ई पहले आता है या मिथाइल का एम पहले आता है? इथाइल का ई पहले आता है. और इसीलिए इथाइल का ई पहले आता है इसलिए हम पहले नाम लिखेंगे इथाइल. पहला नाम लिखेंगे इथाइल, दूसरा नाम बाद में आने वाला मिथाइल. और ये पैरेंट एल्केन था हेप्टेन. So, if two different alkyl groups are attached to same carbon, then mention their name in alphabetical order. Now, see here. इसी तरह से अगर कहीं पर दोनों साइड्स पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग सेम डिस्टेंस पर आती है, let us consider यहां 2 नंबर पर मिथाइल है, यहां 2 नंबर पर मिथाइल है, दो मिथाइल. अब अगर हम नंबरिंग करना है तो इधर से करें तो भी 2 नंबर पर मिथाइल, दो नंबर पर ब्रांच. इधर से करें तो भी 2 नंबर पर ब्रांच, तो भी 2 नंबर पर ब्रांच. तो कौन से तरफ से नंबरिंग करना चाहिए? जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा हो उस तरफ से नंबरिंग करना चाहिए. जिस तरफ से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा से ज्यादा हो उस तरफ से नंबरिंग करना चाहिए.
Hence, rule states that if point of branching is at same distance from terminal, then numbering should be done from that end which contain maximum branches, which contain maximum branches. And last rule, agar do lokant hai, do lokant, lokant means number of carbon atom to which substituent attach. To do lokant ke beech comma likho. Samjho ek do number ka hai, ek teen number ka hai, to aap wahan par comma likh sakte hain. Do alkyl group yani substituent hai, to dono ke beech mein bhi comma likho. So ethyl is one group, comma methyl is another group. Or locant or substituent hai. Locant means number of carbon atom. Number of carbon atom or substituent. To inke beech mein hyphen likho. Inke beech mein hyphen likhna hai. Hyphen means dash. So the name of this compound is 3-methylhexane. 4-ethyl-methyl-heptane. इसी तरह से अगर अलग-अलग कार्बन सेम ग्रुप अटैच है, let us consider here also there is a CH3, here like this, then the name of this alkene is long, this is the longest time continuation. It contains 9 carbon. Hence, name is no name. Name is no name. Then, either say, I'm a number in key. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Two number per two methyl group. चार नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप है, आठ नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप है, यानी सब मिथाइल ग्रुप अटैच है. सो यू कैन से दैट टू टू, दो नंबर पर दो, कॉमा फोर, चार नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप, कॉमा एट नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप, हाइफ़न, टोटल कितने मिथाइल ग्रुप, 1, 2, 3, 4, सो टेट्रा मिथाइल नोनेम, टोटल नंबर ऑफ सेम अल्काइल ग्रुप्स आर डिनोटेड बाय प्रीफिक्स डाय, ट्रा, टेट्रा, पेंटा, hexa, hepta, like this, depending upon the number of same substituent attached. Same substituent attached. Ek rule aisa bhi hai ki agar bahut bada alkyl group attached hai, to usme bhi substitute as a substituent, then you have नंबरिंग जस्ट लाइक दिस, इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए उसमें भी आपको नंबरिंग करना है, उसमें भी आपको नंबरिंग करना है. तो दोस्तों ये रूल्स आज आपको ध्यान में रखना है, इसके कुछ एग्जांपल्स अभी ले लेते हैं. ये रूल्स ध्यान में रखो. फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट select the longest and continuous chain of carbon atoms. Carbon atom ki longest or continuous chain select karna hai. Second rule states that count the number of carbon atoms present in it. Yani jo select apne chain select ki isme kitne carbon atom hai, usko
काउंट करो एंड कंसिडर इट एज अ पेरेंट करके। तो ये 9 कार्बन एटम थे, इसलिए पेरेंट का नाम पीछे होता है, तो इसे कहा गया नोनेम। थर्ड रूल कहता है नंबरिंग टू सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन इज डन फ्रॉम दैट एंड व्हिच इज नियरेस्ट टू पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग। पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग से जो टर्मिनल नजदीक है उस तरफ से सिलेक्टेड चेन को नंबरिंग करो। चौथा रूल कहता है इफ एनी अदर सब्स्टिट्यूएंट अटैच, अगर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप अटैच है, मेंशन इट्स नेम, उसका नाम लिखो and number of carbon atom to which it is attached. और जो number of carbon atom जिसको वो attach है, उसे ये भी, उसे लोकन भी कहते हैं. Hence it is called लोकन. If two different alkyl groups are attached to same carbon, two different alkyl groups are attached to same carbon, then you have to mention the name in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। एबीसीडी में जिसके नाम का पहला अक्षर पहले आएगा उसका नाम पहले आएगा। इफ पॉइंट ऑफ ब्रांचिंग इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम एनी टर्मिनल, देन यू हैव टू नंबर फ्रॉम दैट एंड व्हिच कंटेन मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट और मैक्सिमम ब्रांचेस। And in between two locant and substituent, comma is used. And between locant and substituent, hyphen is used. ये locant है, ये substituent है, तो इसमें हमने hyphen use किया। इसमें हमने hyphen use किया। ये locant locant है, तो इसके अंदर हमने comma use किया। ये substituent substituent है, comma use किया। याद ध्यान में रखना है सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में कॉमा, लोकंट और लोकंट के बीच में कॉमा, और लोकंट और सब्स्टिट्यूएंट के बीच में हाइफन लेना है। सो टुडे वी विल अगेन डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स ऑन दिस टॉपिक। नाउ कैडेट्स, we will see few examples on common and IUPAC names. Priority is IUPAC names because common names are limited one. Limited one. Suppose compound is CH3CH2CH2CH3. This contains 4 carbon and you know that 4 carbon containing alkane is butane. Butane, and this is a normal chain, this is a straight chain, hence commonly known as N-butane, commonly known as N-butane. In IUPAC, N prefix is not used, hence it is simply named as butane. Now see, butane, 1, 2, 3, 4. In common name system, you have to count all the carbon atoms. And in IUPAC system, you have to count the carbon atoms present only in longest and continuous chain. So, in common name system, 1, 2, 3, 4, so butane. Terminal carbon atom of the chain contains 2 methyl group and 1 hydrogen. Therefore, it is isobutane. Isobutane. And in IUPAC you can say that this is 1, 2, 3. 1, 2, 3. So 2 methyl, 1, 2, 3 propane. So this is 2 methyl propane. Again, this contains straight chain and 5 carbon. So common name is N-pentane. N-pentane. IUPAC is simply pentane. In common name system, all carbon atoms are counted. So 1, 2, 3, 4, 5, pentane. Terminal carbon atom of the chain contains 2 methyl group and 1 hydrogen. Hence it is iso.
So this is isopentane. In Ayurvedic system, this is the longest chain. You have to number from this terminal because point of branching is nearest here. So 1, 2, 3, 4. 4 means butane. Second carbon contains methyl group. So 2-methyl-butane. 2-methyl-butane. Now see, common name states that count all number of carbon atoms, 1, 2, 3, 4, 5, and terminal carbon contains 3 methyl groups. So this is neopentane, and here all the chains are same, containing 3 carbon. Second carbon contains 2 methyl group, hence 2-2 dimethyl propane. 2-2 dimethyl propane. Again, normal chain, 6 carbon, N-hexane, IUPAC, hexane. This, in common name system, this is isohexane because terminal carbon atom of the chain contains 2 methyl group and 1 hydrogen. So, isohexane. 2 methyl, 1, 2, 3, 4, 5, pentane. 2 methyl, pentane. Now here, this is secondary carbon, this is secondary carbon, and to secondary carbon there is methyl groups are attached, hence secondary dimethyl hexane. And IUPAC 1, 2, 3, 4, 2-3 dimethyl butane, 2-3 dimethyl butane. So, carrots, what will be the name of this compound now? See, CH3. C, CH3, CH3, CH2, CH3. Total number of carbon atoms are 6. Terminal carbon atom of the chain contains 3 methyl groups. Hence it is neohexane. Common name is neohexane. What is the IUPAC name? IUPAC name is 2-2-dimethyl butane. 2-2 dimethyl butane. Now see, CH3, CH, C2H5, and C, 2CH3. This one is, here though it is 2 carbon, but this is also the longest chain. So this is the longest chain. Third carbon contains methyl. So 3-methyl pentane. 3-methyl pentane. So you see that here from this compound. They have same molecular formula, but structures are different. And you know that the compounds having same molecular formula but different structural formulae are called isomers, and the phenomena is known as isomerism. So, dosto, aaj humne IUPAC nomenclature लिया, next period में हम बहुत ही interesting और बहुत ही important as point of view of JEE isomerism ये topic पढ़ेंगे, isomerism very very important, thank you.